أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सैयद जुल्फ़िकार अली शाह कादरी पेश करते हैं यूट्यूब चैनल सूफ़ी साहब कादरी 1000 ज़ियारत। हमारा मंशा है तमाम हिंदुस्तान की मज़ारात की ज़ियारत करना और साथ साथ आपको भी करवाना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अभी हम सुल्तानपुर सुलवाड़ा, ये महाराष्ट्र एमपी की बॉर्डर पर है और यहाँ पर मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है और ये हमारे दोस्त हज़रत सलाउद्दीन हुसैनी साहब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये वज़ू खाना है, ये रज़ा हमारा बच्चा और ये सलाउद्दीन साहब वजू करते हुए, ये माशाल्लाह तो हज़रत मूसा सुहाग बाबा रहमतुल्लाह अस्सलात वस्सलाम अलैका या वली अल्लाह या साहिब मदार। हम यहाँ पर इसके पहले दो मरतबा आकर गए हैं लेकिन दोनों मरतबा दरबार बंद था और अभी इस मरतबा दरवाज़ा खुला है, दरबार खुला है और खादिम साहब है, अभी हम इनसे मुलाकात की है, वो अभी आकर के इंटरव्यू देने वाले हैं। सब अस्सलात वस्सलाम अलैका वली अल्लाह या साहिब मज़ार, आपकी शान में पीर की शान, पीर की शान में आपकी शान, सरकार करम नवाजी की गुजारिश है। इसी तरह से हम लोग हर रोज़ नए मज़ार पर जाकर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। ये हज़रत मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह की असली मज़ार है साहब, ये गवाही के साथ असली मज़ार है क्योंकि यहाँ पर आपने मज़ार से बाहर हाथ निकाल करके मुसाफा किया है, ये यहाँ की खासियत है। ये देखिए माशाल्लाह, ये जो है यहाँ पर इसका जो मामला है ये भी मुजावर आने के बाद हम समझेंगे। ये देखो ये चूड़िया, सुहाग की चूड़िया, सुहाग की चूड़िया औरतें यहाँ पर चढ़ाती है। ये देखिए माशाल्लाह, ये सब चूड़िया चढ़ी है, ये सब चूड़िया थी। ये झूमर माशाल्लाह बहुत ही ऊंचा और बहुत बेहतरीन गुंबद बना हुआ साहब, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। और ये देखे ये सुहाग की जो पोत जो गले में पहनते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में इसकी बहुत अहमियत है, इसको गले में की पोत बोलते साहब। यह सुहागन औरत पहनती है, ये उसके सुहागन होने की अलामत होती है। ये देखिए ये सब गले की पोत चढ़ी हुई साहब, एक से बढ़कर एक पोते हैं। देखो जो मन्नत वाले होते हैं ये मन्नत चढ़ाते हैं, ये सुहाग की है। ये देखो यहाँ पर भी सब चूड़िया है साहब, माशाल्लाह यहाँ पर भी चूड़िया है साहब, देखिए सब चूड़िया चढ़ाते हैं। आइए चलो हम सब मिलकर ज़ियारत करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मूसा सुहाग, या सरकार नज़र करम फरमाना, या सरकार, ये देखो हमारा बच्चा अली रज़ा,
और ये हमारे दोस्त शेख सालाउद्दीन हुसैनी साहब, माशाल्लाह। मेरा नाम जावेद शमशुद्दीन अंसारी है। अच्छा, भी सरकार के बारे में, सरकार के बारे में इस तरह बताना है कि तो करीब आज से 650 बरस पुरानी बात है। जब हजरत अहमदाबाद में रहते थे उस वक्त अहमद शाह बादशाह का अहमदाबाद में उसकी हुक्मरानी चलती थी, बादशाह चलती थी अहमदाबाद में रहते थे हजरत। वैसे उनकी वजह से सब होने की वजह से उनको बहुत आदत थी, अब कहे पड़ा प्रश्न शादी हुई थी जबरदस्त कि इंसान चंडे पंडे सब भूखे प्यासे मर गए गुजरात अहमदाबाद से। तब अहमदाबाद गुजरात जो है अहमदाबाद से लेकर के ब्रह्मपुर तक गुजरात कहलाता था। अच्छा, उस दौर की बात। अच्छा, अहमदाबाद ब्रह्मपुर तक ये गुजरात का इलाका कहलाता था और उसी में ये तहसील था तब सुल्तान, और यहाँ पर सुल्तान साकड़े वो तहसीलदार हुआ करते थे। तो कहे पड़ा हजरत ने सोचा कि ख्वाजा बंदा है गरीब नवाज के वहाँ जाएंगे, वहाँ इंतजार करेंगे, जंगे परिंदे जानवर इंसान सब उनके कैसे मर रहे हैं, तो हजरत को जाकर के वहाँ पर हुआ करेंगे। तो आपको वहाँ पर ऐसा एक मैदान हुआ बड़ी सिफत होने के नाते उनको भी ऐसा इनाम हुआ कि आप इतनी दूर क्यों आए, आपकी बस्ती में अहमदाबाद शहर में एक ऐसा इंसान रहता है जो अगर दुआ करे तो अपने रहमत जरूर बचेगी, तो आप वहाँ से वापस आए। आपने बाकायदा सवाल जवाब किए कि हम पहचाने ही कैसे, तो बोले वो जनों की टीम में रहते हैं, हाथ में चूड़ियाँ वगैरह और जनाना लिबास पहनते हैं, आप उनको पहचान लेते हैं। तो ये चले आए वापस अहमदाबाद में मुराद कराई, उन्होंने बादशाह ने तब वजीरों को निकाल दिया कि आप शहर में जाओ और ऐसे शख्स को तलाश कर। तो वहाँ पर बहुत बड़ी बस्ती थी ये जन, आज भी है नहीं है इसलिए आज भी कायम है बस्ती बहुत, जैसे अभी तो अतिक्रमण हो गया वहाँ लोगों ने मकाना बहुत बना लिए। तो ये हजरत वहाँ पर जब इनके वजीर वहाँ पर पहुँचे और शहर में तलाश करने लगे तो आप मसाला पीछते हुए सहारे मजार जो है ये मसाला पीसते हुए बैठे। आपने इंतजा की, वजीरों ने इंतजा की कि बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया, आप चलिए। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद ये वहाँ पहुँचे। बादशाह ने मुशावत की कि आप अल्लाह के बरगजा बंदे हैं, वली सिफत है, आप दुआ कीजिए, रियाया भूखी प्यासी मर रहे हैं, बंदे चुनते सभी भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो सफ़ेद चादर इसी आपने हाथों पर ली और दुआ फरमाई। तो बताते हैं कि इस कदर बारिश हुई कि पूरा मतलब नदियां नाले भर गए पानी, जल हो गए, ऐसा पानी बारिश हुई। तो आपने देखा कि भैया मेरा राज फाश हो गया, तो बगैर बताए बादशाह को ये वहाँ से निकल गए, ये निकल पड़े और यहाँ आकर के रहने लगे। लेकिन एक बार उन्होंने यहाँ से चिट्ठी लिखी बादशाह कि बादशाह सलामत मैं आपकी ही सल्तनत में सुल्तानपुर तहसील में रहता हूँ, आपका जब भी गुजर हो तो आप मुलाकात के लिए आइए, मूसा सुहाग से मिलकर के आता हूँ। तो तारीख में आया है कि सजदा गाँव दरिया तापी, ये तापती नदी है, दरियाए तापी सजदा गांव के रास्ते ये सुल्तानपुर आए, यहाँ पहुँचे। जब यहाँ पहुँचे तो आप उनको इल्म हुआ गांव में पहुँचे, उनका तो यहाँ पर वो जदगान वसूल करने वाले थे ना वो हजरत सुल्तान साहब ने, तो उनको भाई आप तो पढ़ना पड़ चुके, फिर भाई कहाँ है उनका मकाम, यहाँ लाया
जब यहाँ आए तो वो दुआएं की उन्होंने कि हजरत आपने तो मिलने का शिकायत करे अल्फाज में, आपने तो मिलने का वादा किया लेकिन बगैर मुलाकात के आप कैसे चले। तो कब्र से आवाज़ आई कि बादशाह लोग मुसाफा करो, कब्र शक हुई भटी ये बताओ ना तो ये कब्र शक हुई और इस जगह पर वो पत्थर हटाने बैठा। ये कब्र शक हुई और यहाँ से हाथ बाहर निकला, बाहर दोनों हाथ बाहर आए। बादशाह ने बात करके मुसाफा किया, बादशाह ने मुसाफा किया उसे, फिर वो दोनों हाथ से साथ जाहिर होता है कि आपका असली मकाम औरंगजेब रहमतुल्लाह ले आए थे गलत बादशाह अहमद शाह। तो ये उजरा किसने बताया? ये उजरा उन्हीं ने तामीर कराया था ना, अहमद शाह उनके जमाने। आज इसको 650 बरस के ऊपर हो गए हैं। ये तो ये मतलब फिर से इसकी तामीरें नौ हुई है, मतलब पूरा नहीं डिसमेंटल करके नहीं बनवाया। ये जैसी मकबरा था वैसा ही है, मिट्टी का ही बना है। हाँ इसको खाली हमने दमामा लगा दिए, अंदर बाहर पूरी तरह से इसको कॉम्प्लेटिंग कर दिए, वो कर दिए। ये पत्थरों की दीवार है, ये करीब करीब आप खड़े रह जाएंगे हजरत सैयद साहब, आपके इतने इतने तो पत्थर संगीन पड़े पड़े पत्थर की ये इतनी इतनी दीवार है, पत्थर है पूरा। हाँ पत्थर यहाँ तक है, मतलब आप खड़े रह जाओ वहाँ, फिर ऊपर से ईंट का काम है। ईंट और उस जमाने में वो चूना होता था, वो घानी का हाँ। वो ईंटें वगैरह सब मिली हुई रहती थी उसमें, वो पीट के बनाते ना। हाँ तो उससे ये गुंबद तैयार किया। 1995-96 में हम लोगों को ऐसा जाके हालत फंसता लगी कि तो ये गुंबद जो है पूरा शक हो गया था, बीच से फट गया था। तो सूरज की रोशनी किरने आने लगी थी, तो हम लोगों ने फिर जारी हो पाए बस ये जगह पे अल्लाह अभी वो दिन कबूल करे परवरदिगार। हम चार ऐसे बैठ गए तो क्या यार बहुत बुरी हालत है। चहलू में शिरकत के लिए आए थे हम, खेतिया याद है पास पास की है खेतिया बैठे हैं। तो वहाँ रात में जिक्र चला कि भाई अगर दूसरा सवाल रहमत लाने का होता है वो बहुत खस्ता हालत में है। हमने कहा था ये चलो देखते हैं, चार लोग आए बोले हाँ खराब हो गए सब, ईंटें दिखती थी, चूने का जो पलस्तर था वो तो पूरा झड़ गया, सिर्फ ईंटें दिख रही थी। फिर वो मशवरा करके हमने कहा चलो अपन कल मिस्त्री बुलाई, बस जुमे रात का रोज था वो और हम फिर जुमे के दिन आए मिस्त्री को लेकर। उम्र भाई था आपके जैसा था मिस्त्री, बोले तो चल देखो आप ये काम करा दे हो जाएगा बेटा, 10 थैली हो जाएगा, 10 थैली में हो जाएगा। अब हमने चार तो अभी थे उस जमाने में, मतलब हमने दो थैली जब ले ली तो मैं सोचो थैली हम चार 8 थैली हो गई। वो मिस्त्री जो थे चचा भैया था वो बोलते 2 थैली बेच तरफ मेरे 10 थैली जगह पे। अब हमने काम शुरू किए, मजदूर जहाँ वो टिकने को तैयार करेंगे, पालक बांधे करीब करीब 300 डंडी की पालक बांधे, 300 डंडी लगी थी। तो मिस्त्रियों से मांग करके लाए थे हमने भाई हमारा काम हो जाएगा आप वापस लौटा दी। तो वो फिर पूरा जो जहाँ जहाँ पे चूना बाकी रहा था वो भी हमको छीन के निकालना था ना, क्योंकि एकदम मस्त अरे नौ नया काम हो जाए ऐसा करते। तो मिस्त्री बोले बेटा तुम 15 दिन के अंदर अंदर मेरे को बोलना, नहीं तो मेरी बेटी की शादी है मैं उसमें लग जाऊँगा। तो वो मिस्त्री तो फिर हमको मिले नहीं ना, क्योंकि 15 रोज से ज़्यादा इसको करीब करीब 3 हफ्ते लग गए हमको तब छीनने। मजदूर ये यहाँ पर दरा करके गाँव है वहाँ से मजदूर लाए थे, उनका यही खाना पकाना खिलाना उनको सब यही करते थे। तो वो सब ये तैयार किया, फिर हम वो जब काम लगा
तो दस पहली जो ऊपर का हिस्सा है ना वो गोल अरे एक ही दिन में वो मिस्त्री भी ऐसे थे बेचारे कि वो दिन में अपने कामों पे जाए रात को यहाँ तो रात में करते थे हम लाइट। ये बंदा ऐसा कि इसको नींद की बीमारी मतलब नींद आते ही नहीं ऐसा था। ये जो इसके ऊपर जो पालक बनी थी ना उस पर दौड़ते हुए चलता था ये अकेला इतना तराई लेके माल। तो वो विलियम फाइव और विलियम टेन ऐसी गोलियाँ होती है कि अब हमारे जैसा आम इंसान अगर उसको ले लिया तो हम जगह पे सो जाएंगे लेकिन उसको नींद आने की वो लेने के बाद विलियम टेन जो आते हैं आपको दिन में मेरी अगर डॉक्टर को बोले नहीं कि अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और ये चलते चलते रास्ते में रह जाएगा ऐसा बोलेगा तो वो गोली खाने के बाद भी इन पर असर नहीं होता था। लेकिन यहाँ जब खिदमत किए तो ये काम ऐसा होगा उनका कि वो नींद भी ले रहे और अल्लाह ने एक हुनर से इनको ये ना होता ये बिजली का करंट नहीं लगता। यहाँ सिर्फ एक वायर थी उस जमाने में एक बल्ब जलता था उस समय आप भी आए होंगे बहुत अंडा रहता था यहाँ तो एक बल्ब रहे चुन्नी की तरफ बल्ब लगा रहता था और ये यहीं पर ऐसा बोर्ड लगा हुआ था तो बस वो एक बल्ब लगा के रखते थे। वो रेडियो का कोई खास इंतजाम नहीं था लगता ना तो इनको करंट लगता ही नहीं बिजली के खुले अभी टीवी के अंदर ये तारों को भी छेड़ लेंगे तो जितने भी काम चलते हैं सरकार के इजाजत ले लगाओ पैर में चप्पल में टीवी में हाँ टेस्टर लेके जबान पे लगा के देख लो वो तुमको टेस्टर लाइट नहीं आएगा अंदर दौड़ती है बिजली लेकिन करंट नहीं। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है पत्रकार है नहीं यहाँ से अपन चमके ले यही चमके लो हजरत इतनी मेहरबानी और वो दिन और आज का दिन अब आप अंदाजा लगाओ पंचांग उससे पहले हमारे बाबा अजदाद जो थे तो करते थे यानी कि हमारा खानदानी भी यहाँ कैसा सिर्फ देखने हमारी जमीन भी यहाँ की थी वो हिसाब से आना जाना ये जितना यानी गांव से ये पड़ता है यहाँ से उतनी हमारी जमीन तो हमारे लिए एक ये मुकाम था कि गांव से यहाँ आकर उस पहले बकरियाँ चरवाए जो है ये चराने वाली ये सब खुली थी ये खुली थी पहले इसमें बैठते थे वो बकरियाँ जानवर चलते थे तो इनकी गवाही का तो सवाल ही नहीं आता जब तारीख में क्लियर कट मतलब ये बोलो तो तुम्हारे हैं देखो एक देश पांडे करके बहुत बड़ा इतिहासकार आता है तो उन्होंने पूरा मतलब इनका सवाल आया था वलिय गुजरात जो किताब है उसके अंदर पूरा किस्सा मिलेगा वलिय गुजरात के जितने औलिया है सब का तो ये गुजरात ही कहलाता था ना कि यहाँ काश्तकार जितने भी है शेतकर काश्तकार अपनी फसल निकली तो सबसे पहले ये जो गड़ा है ना ये भरते थे गेहूँ बाजरा जवार जो भी निकले ये गड़ा भरा ये उनका ऐसा था। फल तरबूज निकलते तरबूज खरबूज निकलते खरबूज ये भरते थे गड़ा तो पानी एक हिसाब से पानी वाले बाबा ऐसा बोला कि तो चले इनकी दुआओं के तोहफे में तो पानी इस कदर का है ना यहाँ यह ज़मीन में कि आपको पानी की होता ही नहीं इतना पानी मिलता है ज़मीन में बहुत पानी है ये अभी 60 मिनट से बोर चलते हैं अभी 3-4 मिनट अब हम बोर करो तो पानी माने होते पानी बहुत है ये असल में इनके मसरत जो है ये 17 शव्वाल रमजान से 16 दिन का 17 शव्वाल इनका है हम करते हैं छोटे पैमाने ज़्यादा मतलब नहीं कव्वाली एक हाँ कव्वाली का भी किस्सा मैं बता देता हूँ कव्वाली शैशव तूफान तौबा करते थे ये जो फकीर लोगों का एक बहुत बड़ा शादियाना लगा है तो उसके तो सब ऐसे चिंदिया हो और ताज्जुब है ताज्जुब जो है ना तो इतने इलाके में पानी
ये जो एक महीना भी आता मई महीना फूल मई, तो वो दो मरतबा ये किससे हो गए बहुत ना हो जाए कोई मन, हमको 30 साल हो गए हैं जयपुर में, इनका तो परिवार यहाँ चलते चले आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है और बहुत करीब बहुत नवाज है। और मैं कहीं पूरे भारत के अंदर एक वन मैन ऐसा है, तुमने सिर्फ नज़र से देखे होंगे टीवी के अंदर बरोबर और सुने होंगे बरोबर ना ना सर, लेकिन इतने चश्मे भी ऐसा मेरे पास में बड़े बड़े ऑफिसर भी आए हैं, शॉट लगता ही नहीं इनका गर्म नंगे पैर हो जावेद शमशुद्दीन अंसारी साहब नहीं लगता बिजली का करंट लगता ही नहीं। अरे तब तो मेरे ये काम शुरू चलता था ना तो वायर तो सब नंगी वायर छिले हुए, बस इनके वजह से ही मैं अलग इलेक्ट्रॉनिक काम करता था, ये इनको सबको मालूम मेरी दुकान है, मेरा आज भी दुकान है हमारे शीन में व्यापारी है, तो मुझे शॉट मैं शॉट के अंदर मेरा 12 घंटा शॉट के अंदर ही रहता था, मैं 12 घंटा शॉट का ही काम करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, मुझे अच्छे तरीके से शॉट लगता था, ज़्यादा भी लापरवाही हुई शॉट लगे, लेकिन जिस वक्त इनके काम से मैं लगा यहाँ जुड़ा और ज़रूरत थी यहाँ वायरमैन की, बिस्मिल्लाह करके चालू करा और मेरा खेल ख़त्म हुआ, अल्लाह का एहसान अल्लाह का एहसान अल्लाह का एहसान। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, वो तो आप फुर्सत में आप एक आदमी चलिए क्या नहीं वहाँ गांव तक के जाएंगे तो गांव तक तुमको दिखाएंगे। माशाल्लाह ये जो अंसारी साहब है इनका करंट का प्रैक्टिकल हमने खुद ने हमारे आँख से देखे और मैंने खुद ने इनके ज़बान पर इनके सर में इनके पूरे जिस्म में टेस्टर लगाकर चेक किया, वाकई इनके पैर में चप्पल वगैरह कुछ नहीं थी, इनके पूरे जिस्म में करंट दौड़ता है, लेकिन इन्होंने बोले इसको शूट नहीं करना है तो हमने शूट नहीं किए, सिर्फ आपको बता रहे हैं। शुक्रिया साहब।